भाजपा के तीन दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। भाजपा के तीन दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में सुल्तानपुर पहुंचे प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख ओम प्रकाश श्रीवास्तव। भाजपा प्रशिक्षण देकर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की श्रृंखला कर रही है तैयार। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति। भारतीय जनता पार्टी के तीन दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दुल्हन मैरिज लॉन में दीप प्रज्वलित कर किया। पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी वैचारिक पार्टी व दल है जिसमें लोकतंत्र कायम है। जनसंघ से लेकर भाजपा की लंबी यात्रा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 13 दिन 13 माह और 4.5 वर्ष अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर काम कर रही है। भाजपा जैसा नेता नेतृत्व किसी भी दल के पास नहीं है। सांस्कृतिक वैचारिक स्वाधीनता भी किसी दल के पास नहीं है। उन्होंने कहा, हम विचारधारा को लेकर कार्य करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है भाजपा का लक्ष्य है, जिसके लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता अहर्निश कार्य कर रहे हैं। हमने हमेशा वसुधरा कुटुंबकम और अतिथि देवभव की बात कही है और पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर वर्मा की अध्यक्षता में चलने वाला प्रशिक्षण वर्ग के तृतीय सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मपाल प्रजापति ने कहा, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आज हम सत्ता में हैं। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया टीम ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट।